हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया, स्टूडेंट्स टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन में हमें कुछ सिचुएशंस दी गई हैं और हमें बताना है उनमें से कौन सी सिचुएशन सर्टेन टू हैपन है। सर्टेन टू हैपन मतलब जो पक्का है कि होके रहेगी, या फिर कौन सी सिचुएशन इम्पॉसिबल है यानी जो पक्का है कि नहीं हो सकती, और कौन सी सिचुएशन कैन हैपन बट नॉट सर्टेन है यानी कि कौन सी सिचुएशन ऐसी है जो हो भी सकती है लेकिन पक्का नहीं है कि होगी। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स, यू आर ओल्डर देन यस्टरडे, यानी कि आपकी आज की जो प्रेजेंट डे की एज है वो ज्यादा है यस्टरडे यानी प्रीवियस डे से। तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स कि आपकी एज डे बाय डे बढ़ती है, तो आज की जो आपकी एज है, जो प्रेजेंट डे की जो एज है, वो प्रीवियस डे यानी यस्टरडे से तो ज्यादा ही होगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सर्टेन टू हैपन यानी ये पक्का है कि ये होगा। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप, यानी कि अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो उसमें हेड ही ऊपर की तरफ आएगा, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखिए, अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड भी ऊपर की तरफ आ सकता है और टेल भी। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, यानी हो सकता है कि हेड ऊपर की तरफ आ जाए लेकिन ये पक्का नहीं है क्योंकि टेल भी ऊपर की तरफ आ सकता है। थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, अ डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप, यानी कि अगर आप एक डाई थ्रो करते हैं, डाई जो कि लूडो में आप यूज करते हैं, जब आप एक डाई थ्रो करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उसमें 8 ऊपर की तरफ आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आप डाई थ्रो करते हैं तो उसमें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं, 8 तो उसमें होता ही नहीं। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि 8 ऊपर की तरफ आ जाए, तो यहां पर हम लिखेंगे इम्पॉसिबल। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, यानी जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट होगी वो ग्रीन होगी, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर हमने लिखा है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है कि नेक्स्ट लाइट ग्रीन हो और हो सकता है कि नेक्स्ट लाइट ग्रीन ना हो, तो ये हो सकता है लेकिन पक्का नहीं है। फिफ्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है, टुमोरो विल बी अ क्लाउडी डे, यानी कि अगर हम अगले दिन के बारे में प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट डे आएगा वो एक क्लाउडी डे होगा, तो यहां पर आप इजीली इस चीज को जज कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर आप आज ये प्रिडिक्ट करें कि कल तो क्लाउडी डे होगा तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हो सकता है कि कल का दिन क्लाउडी रहे ही ना, सिर्फ धूप ही निकली रहे पूरे दिन। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, यानी ऐसा हो सकता है कि क्लाउडी डे हो लेकिन ये पक्का नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।